हेलो फ्रेंड्स, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के शेयर्स में पिछले एक महीने में देखे तो लगभग 10% की तेजी है और लास्ट 20 दिन का अगर रिकॉर्ड देखे तो लगभग इसमें 45% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। 11 मई को जोमेटो के शेयर ने लगभग 50 रुपए का लेवल को टच किया था, वहां से आज ये लगभग 76 रुपए के आसपास क्लोजिंग दी है। बात करें ब्रोकरेज हाउसेज की तो मॉर्गन स्टेनले ने जोमेटो के शेयरों को ओवरवेट रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 135 रुपए तक कर दिया है, जबकि यूबीएस ने जोमेटो को बाय रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 130 रुपए सेट किया है। फ्रेंड, मेरी ओर से आप लोगों को यही सलाह होगी कि आप इसे अवॉइड करें, लेकिन अगर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत थोड़ा अमाउंट ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, या फिर जब तक ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में नहीं आ जाती तब तक के लिए इसे अवॉइड करें। फ्रेंड, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के शेयर्स में पिछले एक महीने में देखे तो लगभग 10% की तेजी है और लास्ट 20 दिन का अगर रिकॉर्ड देखे तो लगभग इसमें 45% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। 11 मई को जोमेटो के शेयर ने लगभग 50 रुपए का लेवल को टच किया था, वहां से आज ये लगभग 76 रुपए के आसपास क्लोजिंग दी है। बात करें ब्रोकरेज हाउसेज की तो मॉर्गन स्टेनले ने जोमेटो के शेयरों को ओवरवेट रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 135 रुपए तक कर दिया है, जबकि यूबीएस ने जोमेटो को बाय रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 130 रुपए सेट किया है। फ्रेंड, मेरी ओर से आप लोगों को यही सलाह होगी कि आप इसे अवॉइड करें, लेकिन अगर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत थोड़ा अमाउंट ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, या फिर जब तक ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में नहीं आ जाती तब तक के लिए इसे अवॉइड करें। फ्रेंड, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।